हेलो एवरीवन, और मैंने सुबह से मशीन लगा दी है और मशीन लगाने के बाद मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा धो के खाना वाना बनाऊंगी। तो चलो मिलते हैं वीडियो में आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे, कमेंट करके बताना। और अब मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर मैंने दूध डाल दिया है चावल में, मतलब ये देखो मेरी खीर जो दूध के अंदर चावल मैंने डाल दिए हैं जो पक रहे हैं धीरे धीरे, ये पक जाएंगे। पकने के बाद देखिए अच्छी बनेगी। तो मैंने तेल डाल दिया है और अब इसके अंदर मैं जीरा डाल दूँगी। जीरा होने के बाद मैं इसमें ये कद्दूकस के मैंने करके प्याज रखी हुई है, इनको मैं डाल दूँगी। ये प्याज भूनने के लिए छोड़ दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए, ये प्याज भूनती रहेंगे, ये अच्छे से भून जाएंगे तब इनके अंदर मैं टिंडे डाल दूंगी। खीर मेरी हो चुकी है, इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है और मैं इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी जिससे इसका टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा। इलायची पाउडर डालने से खीर का टेस्ट बढ़ जाता है। अभी मेरी खीर बन के तैयार हो चुकी है। इधर मेरी सब्जी बन रही है तो मैं ये सब्जी इधर रखूँगी और रोटियाँ बनाना स्टार्ट। मैं ये गाय की रोटी बना रही हूँ। मेरी बेबो आ गई है, हाय करो। थक गई है ये, बैग पकड़ लो, रख दो इतना पानी, बैग तो मेरे पे भी ना हो। चलो चलो, ये हमारी चाय पकौड़ी आ गई है। हम जी ये घड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है अपने बेटे के लिए। ये घड़ी आपको कैसी लगी बताना। गाइस ये देखो आर्यन कितना प्यारा पपी लेके आया है, कितना क्यूट सा है। ये हमारा नहीं है लेकिन इसको खिलाने के लिए लाया है आर्यन। हैंड दिखा थोड़ा सा, हाँ हेलो करो। सो गाइज मैंने इसके अंदर मैगी मसाला डाल दिया है ये, और अभी इसका मैगी मसाला डालने से इसका टेस्ट अच्छे से और बढ़ जाएगा। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए चला लूँगी, आधा मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दूँगी चला के, और ये हमारी डन होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।